अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो यकीनन आप अपनी पर्सनालिटी को बेहतर बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि लोगों की नज़रें आप पर ठहरें, लोग आपके साथ दोस्ती करना चाहें। अगर कोई एक दफ़ा आपके साथ बात करे तो उसका दिल करे कि वो बार बार आपके साथ बात करता रहे। अगर ऐसा है तो मैं आपको बता दूँ, सिर्फ वीडियो पर क्लिक करने से आपने 50% तक कामयाबी हासिल कर ली है, क्योंकि किसी काम को करने के लिए इस काम के मुताबिक लगन पैदा कर लेना और पहला स्टेप भी उठा लेना तो इसको 50% कामयाबी गिना जाता है। क्योंकि ज़्यादातर लोग इसलिए कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि वो अपना पहला स्टेप ही नहीं उठाते, और बाकी की 50% जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगले 6 से 7 मिनट में आप वो भी सीख लेंगे। और फिर आप पर डिपेंड करता है कि आप इन बातों को किस हद तक अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर आप उन लोगों में से हैं जो सिर्फ वीडियो देखते हैं और वक्ती तौर पर उनको ये बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन हकीकत में वो इन बातों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने की कोशिश ही नहीं करते, तो उनको कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो ज़रूरी है कि जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, आप उनको आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। तो आइए उन 4 बातों की तरफ आते हैं जो आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल बदल करके रख देंगी। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। स्टेप नंबर 1, इम्प्रूव योर ड्रेसिंग सेंस। दोस्तों, अपने अंदर ड्रेसिंग सेंस पैदा कर लें। सबसे पहली चीज़ जो लोगों को आपकी इज्जत ना करने पर मजबूर करती है वो है आपकी बुरी ड्रेसिंग, क्योंकि ड्रेसिंग ही वो पहली चीज़ है जिस पर सबसे पहले लोगों की नज़रें पड़ती हैं, उसके बाद लोग आपके चेहरे की तरफ देखते हैं। अगर आपने अच्छे कपड़े पहने हों, अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाया हो, तो अगला बंदा आपको संजीदा लेता है, वरना आप अगले बंदे के लिए उन सैकड़ों लोगों की तरह हैं जिन्हें वो रोज़ सड़क पर आते जाते देखता है लेकिन कभी नोट ही नहीं करता। अब अच्छे कपड़े पहनने का मतलब ये नहीं है कि आप हर वक्त 3 पीस पहन करके रखें, अपने कपड़ों के ऊपर हर वक्त ब्राइट कलर की वेस्ट कोट के पहन करके रखें। अच्छे कपड़े से मुराद ये है कि आप जिन लोगों में उठते बैठते हैं उन्हीं लोगों की निस्बत 10 से 20% अच्छी ड्रेसिंग कर लें, क्योंकि हर वक्त 3 पीस या शादी ब्याह वाले कपड़े पहन करके रखना मुमकिन ही नहीं होता, और ना ही ये इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप जिस मुआशरे में रहते हैं वहाँ के लोगों की निस्बत 10 से 20% अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाएं, अच्छा दिखें और अच्छा नज़र आएं, ताकि आप हर अरे गहरे की तरह ना लगें। इस बात को दोस्तों आपने खुद भी महसूस किया होगा कि अगर किसी बंदे ने अच्छे कपड़े पहने हों तो आप उसको अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं, बनिस्बत उन लोगों के जिन्होंने गंदे कपड़े पहने होते हैं। आप ऐसे लोगों के सवालात को भी ज़्यादा अच्छे से लेते हैं जिनका हुलिया अच्छा हो। अच्छी ड्रेसिंग के अलावा दोस्तों, आपके बाल भी अच्छे से बने हुए होने चाहिए। तो अच्छे बनने की मोटिवेशन आप लड़कियों से भी ले सकते हैं जो कि 2 से 3-3 घंटे मेकअप पर लगा देती हैं, लेकिन अब लड़कों का मसला ये है कि आप 2 या 3 मिनट भी अपने ऊपर खर्च नहीं करते। आपने अगर जीन्स पहनी हुई है तो नीचे हवाई चप्पल पहनकर आप बाहर निकल जाते हैं, जो आपको तो अच्छा महसूस होता है लेकिन दूसरों को कंफर्टेबल महसूस नहीं होता। तो बेहतर है खुद को कंफर्टेबल रखने के बजाय आप ऐसी ड्रेसिंग करें जो उस मुआशरे या उस सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए भी कंफर्टेबल हो। जैसे कभी भी आपने अंग्रेज लोगों को नहीं देखा होगा कि जब वो आपके मुल्क में मुआशरे में आते हैं तो बिल्कुल उसी तरह की ड्रेसिंग करते हैं जो दूसरों लोगों को अच्छी लग रही होती है, यानी वहाँ की ड्रेसिंग वो यहाँ पर यूज़ नहीं करते। तो सेम सिचुएशन से आप भी सोचा करें कि जो ड्रेसिंग आप पर सूट करती है और जो मुआशरे के लिए भी ठीक है, आप उसी ड्रेसिंग को ही फॉलो करें। दोस्तों, अच्छी ड्रेसिंग के साथ साथ अच्छे मैनर्स भी बहुत से ज़रूरी हैं। जैसे अगर आप कहीं बाहर लोगों के साथ खाना खा रहे हैं तो आप अगर उठकर हाथ धो लेंगे तो ये बात दूसरे लोगों में आपके लिए एक अच्छा तासर पैदा करती है। इसके अलावा बहुत से लोगों पर काफ़ी ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी उन पर ड्रेसिंग सूट ही नहीं करती, जिसकी वजह यह है कि वो किसी दूसरे बंदे के स्टाइल को कॉपी करने लगते हैं। जैसे शायद किसी एक्टर को देख लेंगे और हूबहू उसी तरह बनने की कोशिश करेंगे, और उसकी तरह बनने के चक्कर में वो मोहल्ले में बिल्कुल नमूना बन जाते हैं। क्योंकि ज़्यादातर केसेस में जो ड्रेसिंग फिल्मों और ड्रामों में की जाती है वो ड्रेसिंग फिल्मों और ड्रामों में ही अच्छी लगती है, या फिर एक्टर की पर्सनैलिटी कुछ इस तरह की होती है, वो ड्रेसिंग उनकी पर्सनैलिटी पर ही सूट करती है, ना कि हर बंदे की पर्सनैलिटी पर। इसलिए किसी को फॉलो करने के बजाय ज़रूरी है कि आप उसी तरह की ड्रेसिंग करें जिसमें आप अच्छे लगते हो और जिसमें आपको अपने आप खूबसूरत महसूस होता हो, क्योंकि वो ड्रेसिंग जो आप पर सूट करती है उसमें आप कॉन्फिडेंस रहते हैं, जो कि मज़ीद आपकी पर्सनैलिटी को बेहतर कर देती है। स्टेप नंबर 2, इम्प्रूव योर बॉडी लैंग्वेज। दोस्तों, अपनी बॉडी लैंग्वेज को बेहतर किया करें। अगर कोई बंदा अपने पांव टेढ़े रखकर चल रहा हो, या अपने कंधे झुकाए जा रहा हो, या अपने उंगलियों को मरोड़ रहा हो, तो आप गैस कर लेंगे कि ये बंदा कंफ्यूज है, या फिर इस बंदे में कॉन्फिडेंस ही नहीं है। क्योंकि किसी बंदे के मुंह खोलने से पहले उसकी बॉडी लैंग्वेज उसके बारे में बहुत कुछ बता देती है। अगर कोई बंदा कंधे सीधे रखकर चल रहा हो, उसके हाथ उसकी जेबों से बाहर हैं और उसकी नज़रें बिल्कुल सीधी हैं,
तो उससे पता चलता है कि वो बंदा लोगों की नज़रों में आने से डरता नहीं है और ना ही देखे जाने से वो घबरा रहा है, जिसके नतीजे में अल्टीमेटली वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लगता है और बहुत ज़्यादा संजीदा लिया जाता है। दोस्तों, अपनी अगली वीडियो के अंदर आपको बॉडी लैंग्वेज के हवाले से मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें। नंबर 3, डोंट टेक योरसेल्फ सो सीरियसली। दोस्तों, अपने आप को बहुत ज़्यादा सीरियस ना लें। इससे मेरा मतलब यह है कि आप इतना परफेक्शनिस्ट ना बने, क्योंकि परफेक्शनिज्म आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा मुतासर करती है, हद तक कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज़ीरो पर चला जाता है। क्योंकि अगर आप परफेक्शनिज्म को फॉलो करेंगे तो आप अगर किसी तकरीब में भी कहीं पर चले जाएं तो आपका वहीं पर यही गोल होगा कि आप तमाम लोगों में से अच्छे नज़र आएं। जब आप इस तरीके से सोचने की कोशिश करते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम हो जाता है, क्योंकि हम में से हर बंदे के लिए मुमकिन ही नहीं है कि वो कहीं भी और किसी भी जगह हर किस्म के लोगों से नुमाया नज़र आए। जब आप परफेक्शनिज्म की तरफ भागते हैं तो किसी नए काम और नई अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने का स्टेप ही नहीं उठाते और सोचते ही रह जाते हैं। कॉम्पिटेंसी एंड परफेक्शनिज्म काम को लगातार करने से आते हैं, ना कि सोचते रहने से। दोस्तों, परफेक्ट सिर्फ अल्लाह ताला की जात है। आप जितनी भी मेहनत कर लें, सब लोगों की नज़रों में आप परफेक्ट नहीं बन सकते। लोग अपनी समझ के मुताबिक कहीं ना कहीं आपके काम में कीड़े निकाल ही देती है। तो लोगों को सेटिस्फाई करने से बेहतर है कि खुद को सेटिस्फाई करो, तभी आप खुश रह पाएंगे। स्टेप नंबर 4, लर्न टू टॉक क्लेवरली। बातचीत अच्छी कर लें दोस्तों, आपकी बात बन जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाहूँगा कि कभी भी आप किसी मार्केट के अंदर जब कोई चीज़ खरीदने गए हों तो आपने देखा होगा कि एक ही तरह की दुकानें होती हैं जिसमें एक ही किस्म के प्रोडक्ट मिलते हैं, लेकिन कुछ दुकानों के ऊपर कस्टमर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उसकी बेसिक वजह क्या होती है कि उस दुकानदार की जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है वो बेइंतहा अच्छी होती है। लोगों को डील करना उसको बेहतर तरीके से आता है, जिसकी वजह से लोग वहाँ पर जाना पसंद करते हैं। इसके मुकाबले में वो लोग जिनकी ड्रेसिंग अच्छी नहीं होती, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर नहीं होती, वहाँ पर लोग अक्सर नहीं जाया करते। तो दोस्तों, बेहतर है कि आप ही अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर फोकस करें और अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर से बेहतर किया करें। कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे बेहतर किया जाता है, इंशाल्लाह इसके ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दें। थैंक यू सो मच।